हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो यू आर वेरी वेल। मैं उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ प्लाजो के बारे में, डिफरेंट प्लाजो के बारे में। कुछ ऐसे बेसिक पैटर्न हैं जो मैं हमेशा अपने वार्डरोब में रखती हूँ और आपको भी अपने वार्डरोब में रखना चाहिए। अगर आपके पास इस टाइप का पैटर्न है तो आप मिक्स एंड मैच करते हुए बहुत खूबसूरत लुक दे सकते हैं, बहुत क्लासिक लुक दे सकते हैं। गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और प्रेस बेल आइकन बटन होता है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जहां पर मेरी आईडी है सीमा चौधरी। तो गाइस चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बेसिक पैटर्न की तरफ। मैं खाली आपको पहली हूं, मैंने ऑफलाइन ही खरीदे हैं और इसलिए मैं उनका लिंक आपको शो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं जरूर बताऊंगी कि कौन सी ब्रांड का है और मैंने कहाँ से खरीदा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफ वाइट की। तो ऑफ वाइट आपके कबर्ड में हमेशा होना चाहिए, ये ऑफ वाइट प्लाजो। अगर बात करते हैं इसके कपड़े की, तो इसका जो कपड़ा है वो प्योर कॉटन है और इसमें इस टाइप की कुछ लाइनिंग दी हुई है। गाइस गाइस, वैसे तो इसका लुक एकदम वेस्टर्न लुक लगता है। आप इसको किसी चुनिक के साथ पेयर करते हैं तो बहुत स्टाइलिश लुक आता है। जॉब पर जाने वाली हैं या हाउस वाइफ भी हैं और घर पर बहुत खूबसूरत तरीके से रहना पसंद करते हैं तो आप इस टाइप का प्लाजो पेयर कर सकती हैं। इसमें सामने बेल्ट मिल जाती है, बेल्ट के साथ में मुझे मिली है खूबसूरत सी पॉकेट। अगर आप मार्केट वगैरह जाते हैं या जॉब पर जाते हैं तो मोबाइल भी आप इसमें रख सकते हैं। दोनों इसे पिंक कुर्ती के साथ भी पहन सकते हैं, आप इसको येलो कुर्ती के साथ भी पहन सकते हैं, आप इसको पिंक किसी भी डार्क कलर की ब्लैक कुर्ती के साथ में, ग्रीन कलर की कुर्ती के साथ में पेयर अप कर सकते हैं। तो गाइस इस टाइप का जो प्लाजो है आपके पास होना चाहिए। सेकंड, तो ये मैंने ऑफलाइन ही खरीदा था और ऑफलाइन खरीदा था मैंने नोएडा से। नोएडा से मुझे मिला था ये 600 में किया था। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो इस टाइप का जो प्लाजो है आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा साथ में। सेकंड प्लाजो है मेरा, ये भी ऑफ वाइट ही है। ऑफ वाइट बात करें तो काफी वाइट है, मतलब काफी घेर मिल जाता है गाइस, तो थोड़ा स्कर्ट टाइप लुक देता है। और ये मैंने सिलवाया था, फट लगती है, साथ में इसके भी पॉकेट मिलती हैं। आपके वार्डरोब में अगर इस टाइप का प्लाजो है तो आप इसको पिंक के साथ में, पिंक कुर्ती के साथ, ब्लैक कुर्ती के साथ, येलो जैसी मैंने पहन रखी है येलो कुर्ती के साथ, यानी कोई भी डार्क कलर की कुर्ती के साथ आप पेयर अप करेंगे तो गाइस बहुत खूबसूरत और क्लासिक लुक देने वाला है। बात करेंगे ब्लैक कुर्ती, ब्लैक में, तो ब्लैक में मेरे पास तीन प्लाजो हैं गाइस और मैं तीनों के बारे में बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगी अपने बहुत जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है गाइस, मैं उस वाले प्लाजो के बारे में बात करूंगी। मैं इसको पिन करके दिखा देती हूँ। तो इसमें नीचे मिल जाती है इस टाइप की का जो लेस है वो लेस मिल जाती है, इस लेस की वजह से ही मैंने खरीदा था। अगर बात करते हैं इसके फैब्रिक की, तो प्योर कॉटन रिंकल वाला फैब्रिक है गाइस और इसमें दोनों तरफ इलास्टिक मिल जाती तो बहुत कंफर्टेबल लगता है मुझे ये गर्मियों में पहनने में। तो अगर आप वेस्टर्न लुक देना चाहते हैं तो आप किसी भी खूबसूरत क्रॉप टॉप के साथ पेयर कीजिए, किसी भी ढीली ढाली शर्ट के साथ पेयर अप कीजिए अगर आप जॉब करते हैं। नहीं तो मैं इसको येलो कुर्ती के साथ भी पेयर अप कर लेती हूँ, मैं इसे पिंक कुर्ती के साथ भी पेयर अप कर लेती हूँ, तो ये ऑफ वाइट कुर्ती के साथ भी बहुत सुंदर लगता है। आप गाइस अगर इसकी ब्रांड की बात करें तो ये W ब्रांड है, आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं और किसी आउटलेट से भी ले सकते हैं या किसी मॉल से भी ले सकते हैं था, तो ये काफी खूबसूरत लगता है गाइस। तो आपके पास भी इस टाइप के स्टाइलिश और इस टाइप के डिजाइन का एक ब्लैक कलर का प्लाजो होना ही चाहिए। तो सेकेंड प्लाजो मेरा इस टाइप का प्लाजो है। अगर बात करते हैं इसके फैब्रिक की, तो इसका फैब्रिक कुछ चिकनकारी वाला फैब्रिक है और इस टाइप का चिकन का वर्क किया हुआ है। और इसके नीचे के अगर बॉर्डर की बात करें तो ये नीचे का बॉर्डर भी है गाइस, और घेर की बात करें तो काफी घेर मिल जाता है गाइस, इसमें देखिए काफी घेर मिल जाता है, तो स्कर्ट की तरह दिखते हैं इस टाइप के प्लाजो। आप इस टाइप के प्लाजो को लॉन्ग कुर्ती के साथ भी पेयर अप कर सकते हैं। अगर आप इसको ट्यूनिक के साथ में और शॉर्ट शर्ट या किसी भी क्रॉप टॉप के साथ में पहनते हैं तो बहुत वेस्टर्न और क्लासिक लुक देते हैं। आपके वार्डरोब में इस टाइप का प्लाजो होना चाहिए। बात कर लेते हैं प्लेन प्लाजो की, तो प्लेन प्लाजो तो बिल्कुल पजामे के जैसा लुक देता है, आपको उठने बैठने जाने आने में बहुत कंफर्ट फील होता है। W ब्रांड का प्लाजो है और मैंने नियर अबाउट 500 का खरीदा था ये। और बात करते हैं इसके फैब्रिक की, तो रेयन फैब्रिक है और रेयन फैब्रिक जो होता है वो समर में बहुत कंफर्टेबल होते हैं और उसमें हमें गर्मी नहीं लगती है, पसीना नहीं आता, चिपचिपाहट नहीं होती और इचिंग नहीं होती, तो हमें रेयन फैब्रिक और कॉटन फैब्रिक की हमेशा वेयर करना चाहिए, पेयर अप करना चाहिए, तो ही हम समर में बच सकते हैं स्किन की प्रॉब्लम से। तो इसका घेर ज्यादा नहीं है, अगर बात करें तो एकदम पजामा लुक है और पजामा लुक होने की वजह से ये हाउसवाइफ के लिए भी बहुत बढ़िया है। दूसरा, अगर आप बाहर जॉब भी करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो आप इसको लॉन्ग कुर्ती के साथ में, अगर स्टाइलिश कोई भी एयरलाइन कुर्ती है या फ्रंट टॉप इन कुर्ती है तो उसके साथ पेयर अप कर सकते हैं। साथ में जॉब करने वाली लड़कियां या महिलाएं तो आप इसको डिफरेंट लुक में भी पेयर कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं पिंक प्लाजो की, तो पिंक प्लाजो में मेरे पास सबसे पहले प्लाजो के बारे में मैं बात करूंगी, ये वाला प्लाजो जो बहुत खूबसूरत प्लाजो है। बात करते हैं इसी घेर की, तो इतना सारा घेर मिल जाता है। ये मैंने खरीदा था जनपथ से, जनपथ से मैंने खरीदा था, ओनली 250 में खरीदा था और मिलती है इलास्टिक।
इस टाइप की जो इलास्टिक होती है काफी कंफर्टेबल होती है। साथ में इसमें भी पॉकेट है, पॉकेट वाले प्लाजो जो होते हैं, पॉकेट वाले प्लाजो बहुत वर्सेटाइल लुक तो देते ही हैं, साथ में हमें बहुत कंफर्ट लगता है। अगर हम छोटा क्लच नहीं ले जाना चाहते तो आप इस टाइप का प्लाजो पहनकर कहीं भी खुल के मजा कर सकते हैं, पार्टी का मजा कर सकते हैं। ये एक ऐसा पार्टी वेयर प्लाजो है गाइज, आप इसको अगर बहुत खूबसूरत तरीके से, जैसे इसमें बहुत सारे कलर है, ब्लू है, येलो है, पिंक है, तो आप इस टाइप की किसी भी आउटफिट के साथ पेयर करते हैं तो बहुत खूबसूरत लगने वाले हैं। तो आपके वार्डरोब में इस टाइप का पिंक प्लाजो भी होना चाहिए। नेक्स्ट प्लाजो मेरा प्योर कॉटन का प्लाजो, अगर मैं ऐसे पास से दिखाती हूँ गाइस, अगर पास से देखते हैं तो इसमें थोड़ा सा वर्क है, यानी इसमें थोड़ा प्रिंट है और ये प्रिंट बहुत खूबसूरत लगता है। ये मैंने खरीदा था ग्रेट इंडिया पैलेस से, मिक्स मैक्स कलेक्शन से खरीदा था, 799 का, कोई भी डिस्काउंट नहीं मिला था जिस टाइम पे मैंने ये खरीदा था। दोनों तरफ लास्टिक मिलती है, कंफर्टेबल लास्टिक है। दूसरा, इसमें कोई पॉकेट नहीं है। साथ में इसमें जो बनी हुई है वो कलियां बनी हुई है, आप देख सकते हैं, तो इससे काफी वाइड लुक आता है इसका चाहिए। और प्योर कॉटन का है तो गाइस समर में आपको ना तो गर्मी लगने वाली है, आप इसको साथ में पिंक, डार्क पिंक के साथ भी पहन सकते हैं, ब्लैक के साथ भी पेयर कर सकते हैं, आप इसको येलो के साथ भी पेयर अप कर सकते हैं, आप वेस्टर्न लुक भी दे सकते हैं। देन इंडियन लुक में आप इसको लॉन्ग कुर्ती के साथ में या किसी ट्यूनिक के साथ में या किसी भी खूबसूरत क्रॉप टॉप के साथ में पेयर अप करेंगे तो काफी खूबसूरत दिखने वाला है गाइस। साथ में आपके पास एक ग्रीन प्लाजो भी होना चाहिए, ग्रीन प्लाजो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। और सकते हैं जैसे मेरे पास ये प्लेन प्लाजो है, ये सी ग्रीन प्लाजो है गाइस, काफी कंफर्टेबल लगता है। ये भी मैंने जीआईपी से ही लिया था, जिसमें कराती है तो पीछे की तरफ इसमें इलास्टिक मिल जाती है और आगे की तरफ इस टाइप की पट्टी मिल जाती है। स्टाइल नहीं है ये, काफी बेल बॉटम वाला घेर है तो हमारी स्किन से चिपकता नहीं है। दूसरा, आप इसको किसी भी पिंक कलर की कुर्ती के साथ में, व्हाइट कलर की कुर्ती के साथ में, ब्लैक कुर्ती के साथ में पेयर अप करेंगे, शॉर्ट कुर्ती है चाहे लॉन्ग है या फ्रॉक स्टाइल की कुर्ती, साथ में वेस्टर्न लुक चाहते हैं तो आप किसी भी वेस्टर्न लुक की क्रॉप टॉप के साथ में या ट्यूनिक के साथ में पेयर अप कर सकते हैं। तो गाइज आपके पास में इस टाइप का प्लाजो होना चाहिए। ट्यूनिक्स प्लाजो की बात कर ली, बेसिक प्लाजो की बात कर ली, कलरफुल प्लाजो की बात कर ली, ढीले ढाले प्लाजो की बात कर ली, अब हम कुछ ऐसे प्लाजो की बात करेंगे जो आपके वार्डरोब में होने चाहिए। आपके पास मैं आपको सजेशन दूंगी कि आपके पास येलो और ऑरेंज कलर के प्लाजो भी होने चाहिए। ये येलो नहीं है, ये गोल्डन कलर का प्लाजो है। अगर आपके पास इस टाइप का गोल्डन और ऑरेंज कलर के प्लेन प्लाजो है तो अगर आपके पास ये दो प्लाजो वार्डरोब में रखे हुए हैं तो डार्क कलर के सूट के साथ में अगर आप इस कलर के प्लाजो पेयर करते हैं तो ये बहुत खूबसूरत दिखते हैं, साथ में बहुत कंफर्ट और पजामे वाला लुक देते हैं। अगर वाले हैं समर में आपको गर्मी भी नहीं लगने वाली, ठंडक महसूस होती है और उठने बैठने आने जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर आपके वार्डरोब में भी मेरी तरह से ये वाले 5 प्लाजो हैं तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी वेस्टर्न लुक देने में, क्लासिक लुक देने में, इंडियन लुक देने में, चाहे आप स्पेशली हाउसवाइफ हैं या आप जॉब करती हैं। अगर अच्छी लगी आपको, हेल्पफुल लगी आपको मेरी वीडियो, तो प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिना बिल्कुल मत जाइएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम एंड टाटा बाय बाय।